बिपरजॉय चक्रवात से निपटने के लिए अलर्ट मोड में सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने बैक टू बैक दो समीक्षा बैठकें की। अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद एमएचए में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री और 8 जिलों के अधिकारियों के साथ अमित शाह ने बैठक की। साइक्लोन से मुस्तैदी से निपटने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कच्छ में विपर्जॉय तूफान पर बैठक की। कहा समंदर किनारे तीनों सेनाएं, कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ की टीमें तैनात। जूनागढ़, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, मोरबी और राजकोट में टीमें अलर्ट मोड पर, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। चक्रवर्ती तूफान से प्रभावित होने वाले 8 जिलों में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात, एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। सूरत में एक टीम को रखा गया रिजर्व। कच्छ में एनडीआरएफ की 4, द्वारका में 3, राजकोट में 3, जामनगर में 2, जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, मोरबी और वलसाड़ में एक एक टीम तैनात। चक्रवात बिपरजॉय के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित सभी एजेंसियां काम कर रही। जूनागढ़ जिले में 500, कच्छ में 6,786, जामनगर में 1,500, पोरबंदर में 546, द्वारिका में 4,820, गिर सोमनाथ में 408, मोरबी में 2,000, राजकोट में 4,031 लोगों को स्थानांतरित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात के भुज मिलिट्री स्टेशन पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। तूफान से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मुस्तैद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। तूफान बिपरजॉय को लेकर हाल जाना, केंद्र सरकार की हर संभव मदद का केंद्र सरकार ने भरोसा जताया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की भारत में एंट्री से पहले समंदर में दिखा डराने वाला नजारा। गुजरात में द्वारका के समंदर तट पर उठी तूफानी लहरें। मौसम विभाग ने गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 15 जून तक गुजरात के जखाव बंदरगाह के पास टकराकर तूफान होगा कमजोर। गुजरात के साइक्लोन के मद्देनजर कांडला बंदरगाह को बंद किया गया, जिसके चलते व्यापार पर असर पड़ रहा। तूफान से प्रभावित होने वाले 8 जिलों के स्कूलों को राज्य सरकार ने किया बंद। 15 जून तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड को 17 घंटे से ज्यादा वक्त तक जद्दोजहद करनी पड़ी। 500 से ज्यादा टैंकर पानी का इस्तेमाल किया गया। सतपुड़ा भवन अग्निकांड पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अग्निकांड की जांच के लिए कमेटी का गठन, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। सतपुड़ा भवन अग्निकांड में सरकारी फाइलें जलकर खाक हुई, आज से होगी अग्निकांड की उच्च स्तरीय जांच। सोमवार की दोपहर 4 बजे सतपुड़ा भवन की 3री मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लगी और शॉर्ट सर्किट ही आग लगने की वजह वहां पर सामने आ रही। सतपुड़ा भवन आग को लेकर कमलनाथ ने पूछा, आग लगी या लगाई गई, जल गई भ्रष्टाचार की फाइलें। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अवसरवादिता की राजनीति। तपती गर्मी में राजस्थान में गरमाया सियासी पारा। पेपर लीक मामले में जयपुर में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, बड़ी तादाद में सड़क पर उतरे बीजेपी नेता कार्यकर्ता। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर जोर आजमाइश हुई खींचतान। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने सचिवालय का घेराव किया, धरने पर बैठे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने की पानी की बौछार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गहलोत सरकार पर किया वार, कहा घोटाले वाली है यह सरकार, बिना 50% नहीं होता कोई काम। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि इस गहलोत सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। परिवार के लोग, इनके कुनबे के लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि इस गहलोत सरकार में 50% दिए बिना कोई काम नहीं होता। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान पर भारत में सियासत गरमाई। जैक डॉर्सी ने कहा, किसान आंदोलन के वक्त सरकार ने ट्विटर पर बनाया था दबाव। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के मुताबिक दावा किया गया कि किसान आंदोलन को कवर करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट आई थी।
डॉर्सी ने कहा यह धमकी भी दी गई थी कि सरकार की बात नहीं मानने पर भारत में ट्विटर को बंद कर दिया जाएगा और ट्विटर से जुड़े अफसरों पर होगी छापे की कार्रवाई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर का पलटवार, कहा जैक डॉर्सी का बयान सरासर झूठा, ट्विटर भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा था, आंदोलन के दौरान आई थी कई फर्जी खबरें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार, कहा जैक डॉर्सी ने जो कहा वो सफेद झूठ है। रोजगार के मोर्चे से अच्छी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के देश के युवाओं को बड़ी सौगात, रोजगार मेले के तहत 70,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से संवाद किया, 20 से ज्यादा राज्यों में 43 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले के वर्चुअल संबोधन में प्रधानमंत्री बोले, रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन का प्रमाण। मुद्रा योजना से करोड़ों युवाओं को मिल रही है मदद, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया से बड़े रोजगार के अवसर, आज भारत ज्यादा स्थिर और ज्यादा सुरक्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व सरकारों पर भी निशाना साधा, कहा पहले नौकरी के लिए होता था रेट कार्ड, योजनाओं में गड़बड़ी और जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। G20 में पहुंचे विदेशी मेहमानों ने वाराणसी में सारनाथ बौद्ध स्थल का दौरा किया, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने 2,273 साल पुराना अशोक स्तंभ भी देखा, फॉरेन डेलीगेशन के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भ्रमण करते हुए नजर आए। विदेशी मेहमानों के स्वागत में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन, लोक कलाकारों ने लोक नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी। दिल्ली में G20 की तैयारियां जोरों पर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की थीम पर बनाया जा रहा पार्क। पार्क में कबाड़ से बनाई गई मूर्तियां, पार्क में सभी देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षियों को स्थापित किया गया। बक्सर में बढ़ती गर्मी से परेशान लोगों ने कराई दो पेड़ों की शादी, शादी में महिलाओं ने गीत गाए, साथ ही कन्यादान भी किया। पुणे के इंदापुर भी किसान ने कमाल किया, महिंद्रा थार गाड़ी से की खेत की जुताई। तिरुपति बालाजी के दरबार में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विधि विधान के साथ भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की। अमेरिका में एक भारतीय ट्रक ड्राइवर के साथ राहुल ने सवारी की, जाने उनके अनुभव, कहानियां वीडियो रिलीज किया। बाबा नीम करौली महाराज के कैंची धाम पर 15 जून को होगा मेले का आयोजन, मंदिर प्रबंधन ने शुरू की तैयारियां। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोजगार मेले में बांटे 400 युवाओं को रोजगार पत्र, युवाओं को संबोधित करते हुए कहा हमारे देश में अगर कोई समस्या है तो वो रोजगार की है। बिलासपुर में जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं के साथ टिफिन पर चर्चा की, सरकार के 9 साल पूरे होने पर मीटिंग का आयोजन किया गया। खरगोन में बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बनाई चाय, कार्यकर्ता और आम लोगों ने चाय का लुत्फ उठाया। श्रीमद भागवत कथा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने उठा अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का मुद्दा, नाम बदलने की लंबे समय से उठ रही थी मांग। मरसा में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले को सिद्धू मूसेवाले के माता पिता ने बांटा राशन, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने का भरोसा दिया। दुर्ग के भिलाई मैत्री बाघ जू से आई एक अच्छी खबर, बड़ा सफेद बाघों का कुनबा, बाघे ने 3 शावकों को जन्म दिया। पर्यावरण संरक्षण और नशे के खिलाफ भारतीय सेना की मुहिम, जम्मू के रामबन में ग्रीन मैराथन का आयोजन किया गया। दरभंगा में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी शामिल हुए। देवरिया को मिली 6200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, गडकरी और योगी ने 5 नेशनल हाईवे का शिलान्यास किया। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के उत्तम नगर में नए सरकारी स्कूल भवन का उद्घाटन किया, कहा एमसीडी के सभी स्कूलों को करेंगे ठीक। लखनऊ में कैंसर पर जीत कार्यक्रम का आयोजन, यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र कार्यक्रम में शामिल हुए। हीट वेव से बचाव के लिए स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए, जगह जगह लगाए गए पंखे, फर्श को ठंडा रखने के लिए हो रहा पानी का छिड़काव।
पीयूष गोयल ने भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की संयुक्त समिति की पहली बैठक को संबोधित किया। कहा सोने का कारोबार बढ़ाने के तरीके तलाश रहे भारत यूएई। पीएम भूपेश बघेल ने रायपुर में जलमितान युवा उद्यमी उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। युवा उद्यमियों को टूल किट में सेफ्टी बूट हेलमेट बांटे गए। चेन्नई के मद्रास मेडिकल कॉलेज में 187वें स्नातक समारोह का आयोजन किया गया। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम ने शिरकत की। जूनियर महिला हॉकी टीम के एशिया कप जीतने के बाद जश्न का माहौल। सीआई ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्वागत किया। अगरतला को मिला नेवाय विधानसभा के ट्रेनिंग प्रोग्राम का तोहफा। सीएम मानिक साहा ने शुभारंभ किया। भुवनेश्वर में पहली जनजातीय खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले प्रतियोगियों को सीएम नवीन पटनायक ने बांटे पुरस्कार। पुडुचेरी में आयोजित हुई एनएससी की क्लोजिंग सेरेमनी में पहुंचे एलजी तमिलिसाई सुंदरराजन। कई बड़े अफसर भी इस दौरान मौजूद रहे। त्रिपुरा में तीसरी असेंबली के रूप में ई विधानसभा का उद्घाटन। सीएम मानिक साहा ने शुभारंभ किया। घाटी में भारतीय सेना की पहल कुपवाड़ा में दो दिवसीय कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वाड़ा के कल्चरल फेस्टिवल में युवाओं ने समा बांधा। गानों पर थिरके लोग। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ में संत समागम का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। राजस्थान के बांसवाड़ा में महंगाई राहत शिविर का आयोजन। सीएम अशोक गहलोत ने कार्यक्रम में शिरकत की। राजस्थान के डूंगरपुर में महंगाई राहत शिविर का आयोजन। सीएम गहलोत ने किया कैंप का दौरा, लोगों से मुलाकात की। वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का 48वां इंडिया आइडिया समिट। यूएस आईबीसी के प्रेसिडेंट अतुल कश्यप ने कही अमेरिका और भारत के लोगों में अच्छी दोस्ती होने की बात। बेंगलुरु में साइकिल रैली का आयोजन। सीएम सिद्धारमैया कार्यक्रम में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के पालनाडु को विद्या कानूना किट्स का तोहफा दिया गया। सीएम जगनमोहन रेड्डी ने वितरण कार्य किया। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने क्लासरूम में बच्चों के साथ समय बिताया, जाना शिक्षा का हाल। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात की। क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का संज्ञान लिया। बड़ोदरा के गौपालक ने बनाए 3400 किलो की 108 फीट लंबी अगरबत्ती। अयोध्या के राम मंदिर को करेंगे दान। बड़ोदरा से अयोध्या अगरबत्ती ले जाने में खर्च होंगे करीब 4 लाख रुपए। गौपालक ने योगी सरकार से आर्थिक और ट्रांसपोर्टेशन की मदद मांगी। अयोध्या राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम फाइनल स्टेज में पहुंचा। 2024 में 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच हो सकती है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा न्योता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भारी संख्या में भक्तों और श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। गोरखपुर में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का आश्वासन दिया। एमपी के अलीराजपुर में आम महोत्सव का आयोजन। 400 किसानों ने 200 से ज्यादा किस्म के आमों की प्रदर्शनी लगाई। अलीराजपुर की शान मलिकाए आम नूरजहां के स्वाद ने लोगों को किया खास आकर्षित। 4 किलो से ऊपर तक का होता है वजन। कटिवाड़ा इलाके में होती है पैदावार। उदयपुर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए समर कैंप का आयोजन। 10 साल के बच्चों से लेकर 60 साल तक के बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे।
ट्रैफिक अवेयरनेस को लेकर देखा अमृतसर पुलिस का अनोखा अंदाज। ट्रैफिक पुलिस के एएसआई बलवंत सिंह गीतों के जरिए दे रहे ट्रैफिक जागरूकता का संदेश। 12 से 19 जुलाई के बीच लॉन्च हो सकता है चंद्रयान 3, बोले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। तैयारी अंतिम चरण में। दिल्ली के मानेका शाह सेंटर में मनाई गई यूएन पीक्स कीबर्स डे और 75वीं सालगिरह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान शामिल हुए। बाड़मेर में 51 ट्रैक्टरों पर निकाली गई अनोखी बारात। 6 से ज्यादा गांव के लोग बारात देखने के लिए उमड़े। हेमकुंड यात्रा में बर्फबारी पर आस्था दिखी भारी। अब तक 61,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए हेमकुंड साहिब के दर्शन। प्रयागराज में बेजुबान घोड़ों के लिए लगाए गए पंखे और कूलर, बढ़ती गर्मी से बचाने के बंदोबस्त। कोटा में कांस्टेबल मुकेश ने पेश की अनोखी मिसाल। 1 रुपए और नारियल लेकर सुमन के साथ बचाई शादी। समाज में दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया। सस्ते हुए खाने पीने के सामान 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंची महंगाई दर। होम और कार लोन के ब्याज घटने की आस पड़ी। खुदरा महंगाई दर घटकर 25 माह के निचले स्तर पर 4.25% पर आई। मई 2022 में 7.04% पर थी खुदरा महंगाई दर। सरकार ने ट्रेडर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, बड़े चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए गेहूं के स्टॉक की सीमा को तय किया। गेहूं आटे की कीमत पर लगाम लगाने के लिए फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट जारी। $72 प्रति बैरल पर दाम आया। पेट्रोल डीजल के रेट्स में बदलाव नहीं। अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन की विकास दरें कई महीने की उच्चतम स्तर पर पहुंची। अप्रैल में 4.2% रही इंडस्ट्रियल ग्रोथ। नौकरियों में उछाल की उम्मीद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज मायामी फेडरल कोर्ट में पेशी। ट्रंप पर अवैध तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज अपने पास रखने का आरोप। ब्लैंक सी में मौजूद यूक्रेनी बंदरगाहों से अनाज निर्यात करने वाले समझौते पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जाहिर की चिंता का। 17 जुलाई को रूस समझौते से बना सकता है दूरी। सीरिया में तुर्की के हमले में एक रूसी जवान की मौत, कई घायल। कुर्दिश सिक्योरिटी सूत्रों के हवाले से खबर। कनाडा की रक्षा मंत्री अनीता आनंद ने जंगलों में लगी आग को जल्द बुझाने की उम्मीद जताई। कहा जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए सेना को भेजा गया। अमेरिका के कोलोराडो में भयंकर ओलावृष्टि से जनजीवन पर असर। सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर।